हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। माइसेल्फ चंदन शर्मा, और इस वीडियो में हम उड़ीसा के 10 अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे कि उड़ीसा में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरे पास आप लोग में ही किसी किसी बच्चे का मैसेज आते रहता है कि दादा भैया बहुत सारे कॉलेज में कंफ्यूजन होता है, तो उड़ीसा का एक वीडियो मेरे को तैयार करके आप यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो मैंने इससे पहले भी पुराने साल में भी मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ था, बट इस साल 2024 में जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है उड़ीसा के अंदर में, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो कॉलेज का जो डिस्कशन है, रैंकिंग के ऊपर है, प्लेसमेंट के ऊपर है, उसके अलावा कॉलेज का लाइफ और कॉलेज का ओवरऑल हर चीज एनवायरमेंट के ऊपर ही हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारा शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर बात करें उड़ीसा के अंदर में कॉलेज में देने का, तो पहले नंबर पर दूंगा मैं शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी उड़ीसा कैंपस का। इसका लोकेशन भुवनेश्वर में है और ये आपका एनआरएफ रैंकिंग में भी आता है। और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी आपका उड़ीसा के अंदर में। अगर बात करें इसका एनआरएफ रैंकिंग का, तो 2023 में 27 एनआरएफ रैंकिंग शिक्षा अनुसंधान को मिला हुआ है। उसके बाद आगे जो एवरेज पैकेज देखोगे इस कॉलेज का, एवरेज पैकेज बीटेक के लिए 8 लाख रुपए का आराम से सीएससी ब्रांच का मिल जाता है। एडमिशन का मोड है, यहाँ पर इस कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर इसे खुद के सेट के एग्जाम होते हैं। उसके अलावा जेईई मेंस में अगर नंबर है उसके बेसिस पर आपका काउंसलिंग भी होता है। अगले नंबर मैं दूंगा कॉलेज का कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी को, केआईटी कॉलेज को मैं अगले नंबर पर रखूंगा। इसका एनआरएफ रैंकिंग है 39, इसका भी खुद का सेल्फ एग्जाम होता है। उसके अलावा जेईई मेंस रैंक के बेसिस पर भी आपका यहाँ पर एडमिशन अवेलेबल है, मेरिट से भी एडमिशन होता है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है यहाँ पर। अगले नंबर पर दूंगा सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, इसको एनआरएफ रैंकिंग 2023 में 100 मिला हुआ है। इसका भी एडमिशन खुद के सेल्फ एग्जाम के थ्रू और जेईई मेंस के नंबर के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। अगले नंबर पर जो कॉलेज है हमारा उड़ीसा के अंदर में, VSSUT बुरला कैंपस, जिसको कहते हैं हम वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उड़ीसा के अंदर में। लोकेशन इसका बुरला में है और इसका जो रैंकिंग है एनआरएफ का लास्ट ईयर 101 और 150 के बीच में इसको रैंकिंग मिला हुआ है। तो ये कॉलेज हुआ। उसके बाद जो अगला कॉलेज मैं दूंगा सीटी भुवनेश्वर, पुराना नाम इसका था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के नाम से जानते थे, आज के टाइम इसका नाम हो गया है OUTR के नाम से, जिसको उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च के नाम से जानते हैं। कैंपस का इसका प्रॉपर लोकेशन भुवनेश्वर में है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन अवेलेबल है, कोई यहाँ मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता है। अगले नंबर मैं रखूंगा सिलिकॉन कॉलेज, जो कि इस साल अपना सिलिकॉन यूनिवर्सिटी में बन चुका है, सेल्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है। उसके अलावा बात करें अगले नंबर पर PMC कैंपस है आपका, परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि ब्रह्मपुर में पड़ता है कैंपस, काफी ये भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको भी आप अपने पास रख सकते हो ऑप्शन में। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट में आता है आपका IIT सरंग, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सरंग कैंपस आता है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा कैंपस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका भी एडमिशन आपका OJEE काउंसलिंग के थ्रू होता है। उसके अलावा जो अगला नंबर पर आता है कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंजोर कैंपस आता है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है उड़ीसा के अंदर में, जो इसका लोकेशन कैंजोर में पड़ता है। अगले नंबर पर बात करूं कैंपस का, तो NSIT ब्रह्मपुर कैंपस, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से कैंपस को जानते हैं। ये 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मुझे इनका रैंकिंग अच्छा लगा। देखो और भी जो कॉलेज है, IIT NIT को हटा के बात करते हैं, IIT NIT भी है, उनको मैं हटा के बात करता हूँ, उसका अलग लेवल है काउंसलिंग का। ये अच्छे कॉलेज के आपके अकाउंट में आते हैं उड़ीसा के अंदर में। अगर उड़ीसा में पढ़ने का मूड है, तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के तलाश में हो, तो इन 10 कॉलेज को भी सिलेक्ट करके रख लेना, क्योंकि ये 10 कॉलेज बढ़िया है और इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एडमिशन का तरीका आपको पता है, अगर पता नहीं है तो मेरे से पूछ लेना। उसके अलावा और भी कॉलेज उड़ीसा के अंदर में, ऐसा नहीं को खराब है, बट उनसे ये कॉलेज का काफी अच्छा कुछ है, रैंकिंग, यहाँ के एलुमनाई नेटवर्क, प्लेसमेंट, एवरीथिंग बढ़िया है। तो अगर उड़ीसा में पढ़ने का मूड है, तो इन कॉलेज को फाइनलाइज करना, अगर अच्छे कॉलेज देख रहे हो तो। बाकी इन कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही होगी एडमिशन में, आप मेरे से पूछ सकते हैं। और उम्मीद करूंगा वीडियो काफी आपको हेल्पफुल हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप
मेरे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो आपको उड़ीसा में किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, मैं वो वीडियो बना के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दूंगा, अपने ऑफिशियल आईडी पर डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।